रेनबो पार्ट टू का जो अगला पोएम जो है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसको डब्ल्यू एच ऑर्डन ने लिखा है, उसको मैं यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से गिर रही है. तो वो जो गिरती हुई पत्तियां जो है, उसका संबंध किससे? वह कौन सी पत्तियां, वह किसके लिए, उसकी तुलना किससे की गई है? अर्थात कवि ने उस गिरती हुई पत्तियां की तुलना बूढ़े व्यक्ति से किया है, जो अपना पूरा जिंदगी जीने के बाद इस धरती से जा रहे हैं. अपने पेड़ के टहनियों से जो पत्तियां जुदा हो रही है, जिस तरह से, उसी तरह से एक बूढ़े व्यक्ति अपने परिवार से जुदा होते हैं. नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट. नर्सेस फ्लावर्स जो हैं, जो बड़े बड़े पेड़ों के आसपास उगे हुए रहते हैं, वे छोटे छोटे फूल के पौधे होते हैं, वो भी अब नहीं बचेंगे. अर्थात वे नर्सेस फ्लावर्स का मतलब जो बच्चे, छोटे बच्चे इस धरती पर जन्म ले रहे हैं, उसके लिए व्यक्त किया गया है, उसके लिए कहा है कवि ने कि जो छोटे बच्चे भी इस धरती पर आ रहे हैं, तो नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन. वे जन्म ले लिया और वह वहीं से अपने कब्र की ओर चला गया. मतलब जिस दिन से वह धरती पर आया और उस दिन से वह धीरे धीरे अपने कब्र की ओर जाता रहता है. जैसे जैसे समय बीतता है, बुढ़ापा फिर उसकी आती है और फिर वह भी अपने कब्र में समा जाता है. एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन. ऐसे प्राम्स कहा जाता है, बच्चों की गाड़ी है. कह रहा है कि बच्चों की गाड़ी लुढ़कती जा रही है. तो अर्थात बच्चों की गाड़ी का लुढ़कने का मतलब जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, यहां बच्चे का जन्म लेना लाइफ को दर्शाया गया है. बूढ़े इस धरती से जा रहे हैं और नए बच्चे इस धरती पर आ रहे हैं. विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट. कवि कहते हैं कि जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है, उसके दाएं और बाएं ओर विस्परिंग नेवर खड़े हो जाते हैं. विस्परिंग नेवर यमराज को कहा गया है, मैसेंजर ऑफ डेथ को कहा गया है. प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट. और जैसे ही व्यक्ति का समय पूरा हो जाता है, तो यमराज हमें अपने परिवार से जुदा कर देते हैं और उस परिवार में जो वास्तविक डिलाइट मिलता है, खुशी मिलता है अपने परिवार के साथ, उसे जुदा करके ले चले जाते हैं. एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज. और जो एक्टिव हैंड, सक्रिय जो हैंड्स हैं जिससे हम काम करते हैं, उस वक्त वह फ्रीज कर जाता है, जम जाता है. अर्थात व्यक्ति मौत के गाल में चला जाता है. लॉनली ऑन द सेपरेट नीज. और जो एक्टिव हैंड्स जो फ्रीज करता है, जम जाता है, वो दोनों हाथ अलग अलग घुटनों पर चले जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं. डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक. पीछे सैकड़ों मरे हुए हैं और पीठ के बल लेटे हुए हैं. फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक. और जो आगे मार्ग में जो लाशें कॉफिन में रखे हुए हैं, कॉफिन लकड़ी के पेटी होता है, उसी में रखे हुए हैं. आर्म्स रेज्ड स्टीफली टू रिप्रूव. आगे आगे सब जा रहा है पेटी में और पीछे उनके परिवार के लोग
अपने भुजाएं ऊपर उठा कर करके निंदा करते हैं कठोरता के साथ ईश्वर की, अर्थात उनका मानना है कि इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव कि इस धरती पर कोई प्रेम नाम का चीज नहीं है। हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे घर के सदस्य आप उनको हमसे जुदा कर देते हैं, तो प्रेम है कहां? यह प्रेम दिखावा है, झूठा है। अर्थात यहां पर जीवन और मरण ही दो सत्य है। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड पर्णविहीन वन, वैसे वन जिसमें कोई पत्ता नहीं है, वह पर्णविहीन वन में लोग भूखे मर रहे हैं, वहां के जीव। ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, ट्रॉल्स जो हैं, जो स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी उसके पौराणिक कथा के अनुसार यह दुष्ट आत्मा है, वह भोजन की तलाश में भटक रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, वो भी ईश्वर की निंदा कर रहा है। एंड द नाइटिंगेल इज डम, और वैसा वन जो पर्णविहीन वन है उसमें नाइटिंगेल बुलबुल जो है चुप है, क्या वह अपना तान छेड़ेगी जहां पर कोई हरियाली है ही नहीं। एंड द एंगल विल नॉट कम, और वहां पर मनुष्य रूप में कोई एंगल जो है मनुष्य के रूप में जो मदद कर सकता है, ऐसी स्थिति है कि वहां पर कोई मदद करने वाला व्यक्ति के रूप में वहां नहीं आएगा। कॉल्ड इम्पॉसिबल अहेड, बहुत ठंड है, आगे बढ़ना बहुत कठिन है। लिस्ट्स द माउंटेन लवली हेड, बाधा है मार्ग में, पर्वत की प्यारी चोटियां जो बर्फ से आच्छादित है देखने में बहुत सुंदर लग रही है। हूज वाटर व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, जिसके सफेद झरने जीवन बचा सकते हैं, वह जीवन रक्षक हो सकता है, पर वहां पहुंचना बिल्कुल असंभव है, वहां नहीं पहुंच सकता है कौन? ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, जो राहगीर है। राहगीर कौन है? बूढ़े व्यक्ति है। यहां राहगीर बूढ़े व्यक्ति को कहा गया है, वह व्यक्ति अंतिम पीड़ा में है क्योंकि वह व्हाइट वाटरफॉल के पास नहीं पहुंच सकता है, इसलिए उसकी मृत्यु भी निश्चिंत है, निश्चित होगी। अर्थात कवि का कहना है कि जो भी इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन यहां पर से जाना होगा, यही जीवन की सच्चाई है। धन्यवाद।